प्रस्तुत कर रहे थे, गीत गा रहे थे, आपके पास से आप तालियां बजा रहे थे, आप ऐसे हाथ आपके आप लोगों के अक्सर बहनों के लिए भाइयों के लिए बिल्कुल ही एक दो भाई बजे कर ताली बजा, क्या ये इनका काम है ताली बजाना? इनका तो काम ही नहीं बल्कि आप लोगों का काम। साथ वाले चर्च से आपको आवाजें आ रही थी तालियों की, वो इनाम बांट रहे थे, हमें भी तो इनाम बांटा क्या? यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी दे दी हमारे लिए, इनाम नहीं है। आइए खुद आपके बेटे यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं।
वो रास्ता था और ये कहता है मैं हूं वो जो मैं वहां था जो मैं मूसा मूसा ने पूछा तू कौन है मैंने कहा जो मैं हूं सो मैं हूं और ये वही कह रहा है कि वो खुदा जो मूसा के लिए आसमान से रोटी बरसाता था मैं अब खुद उतर आया हूं तुमको अपना गोश्त देने के लिए। तुम लोग अभी भी बीमार, तुम लोग अभी भी गुनाह कर रहे हो। हम गोश्त नहीं खाते, इस समय क्या है? तो जो यीशु मसीह का गोश्त खाए उसके जिस समय कितनी ताकत आ जाएगी? बीमारी इसके जिस्म पर हमला करती है जब जिस्म में ताकत नहीं रहती। आपका जिस्म जब कमजोर होता है तो फिर बीमारी हमला करती है। जब आप रूहानी तौर पर कमजोर हो जाते हैं तो फिर शैतान हमला करता है, बदरू में हमला करता है। लेकिन जो यीशु मसीह का गोश्त खाता है उसके ऊपर ना कोई बीमारी, ना कोई जादू, ना कोई दोना, ना कोई और किसी तरह का बाबों का असर और ना कोई बदरू हो सकता है। ये पहला इनाम है। दूसरा इनाम देखेंगे यूहन्ना के इंजील 10 बाब उसकी 11वीं आयत। मुझे पहले भाई मिल जाए जो कलाम पढ़े जो मैं आयत बोला हूँ निकाल दे जल्दी से पढ़े। यूहन्ना के इंजील 10 बाब की 11वीं आयत। चोर नहीं आता बल्कि चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। दूसरा इनाम है कसरत की जिंदगी, बजाय जारी है कसरत। बीमार करते हैं मुश्किलों में डालने के लिए यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। क्या लिखा है यूहन्ना के इंजील 3 बाब की 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसे लोगों को दी इसलिए ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह है वो कसरत की जिंदगी जो सिर्फ यीशु मसीह के वजह से मिलती है। कहीं पर नहीं लिखा कि खुदा ने अपने पुराने रसूल को भेजा, खुदा ने अपनी मां को भेजा, खुदा ने पतरस को भेजा कि वो दुनिया के लिए मसलूब हो जाए। यह आपकी बाइबल में ऐसी आई नहीं, मेरी बाइबल में कोई आयत नहीं है। आपकी बाइबल में ऐसी कोई आयत कि खुदा ने किसी और को भेजा हो बेटे के अलावा? लिखा है कि जो कोई बेटे पर ईमान नहीं लाता वो हलाक हो जाएगा, वो चोर और डाकू है जो किसी और वतन से आता है। डाकू सलीब पर था उसने क्या कहा? जब तू अपनी बादशाही ना तो मुझे यीशु नहीं जाता। 3 दिन के बाद जब मैं जिंदा हो जाऊंगा फिर तुम्हें सब कुछ दोस्त हो
हम तो नहीं करते। उसने ये नमूना दिखाया क्या? खालिक होकर मखलूक के पांव धोए उसने। कितने पांव धोए आप लोगों ने? पांव धोने से मुराद है दूसरों की गंदगियों को माफ कर देना। जो गालियां उसने आप लिखा कि वो बातें सुनकर उसके मुंह से कभी कोई बात ना निकली। खुदा का बेटा था, इंसान नहीं था। वो नमूना दिखा गया है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा भी उसके आगे। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई करे, मुश्किल होता है कभी कभी मेरे से हो जाता है ये, लेकिन अक्सर वक्त मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। मैं यही चाहता हूं कि मैं दूसरा गाल पे आगे। बहुत मुश्किल लिखा है कि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म। आपकी रूह कहेगी ठीक है खुदा के कलाम में लिखा है तो दूसरा काल, लेकिन आपका जिस्म अकड़ जाएगा। है किस तरह हो सकता है? मैंने दस गलत कितनी है, मैंने हजार सुना रही है, मैंने पूरे खानदान में छेड़ना। यीशु मसीह ने ये नमूना दिखाया, जिसे तो पौलुस कहता है कि तुम मेरी मानत बनो क्योंकि मैं मसीह की मानत बनता। पतरस कहता है उसके नक्शे कदम पर चलो, जो कुछ वो करता था वो करो। और चौथा इनाम ये होता है कि अजीज चौड़ा बाप उसकी सोल में आए और मैं बाप से दुखात करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। बजाय तालियां चौथे नाम के। जब हमारी बात में कोई बात से खादम आता है तो मुझे नहीं पता तो उसने क्या कलाम मैंने ये कौन सा गीत आज के लिए। जब मैं वो गीत गाता तो कलाम उसके मुताबिक होता है, तो वो पता चलता है कि मैं पाक रूह के कंट्रोल में। तो जरा बंदा पाक रूह ना बने, एक तो वजह थी अलग हो जाने की। अभी अपने रसूलों के अकीदे में क्या पढ़ा? रूह को उसका ईमान रखते कि नहीं रखते है? उसमें रसूलों के कीते में रूह कुदस का जिक्र है कि नहीं? कहां पर? मैं ईमान रखता हूं। मुंह से बोलने वाले तो सब है, लेकिन ईमान रखने वाले बहुत कम। यीशु कहते हैं मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। मददगार का क्या मतलब होता है? मदद करने वाला। जब हम दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, गमों में, बीमारियों में, खानदानी मुश्किलात में, डिप्रेशन में, उस वक्त मददगार आके हमारी मदद करता है। ये चौथा इनाम था। पांचवा इनाम ये अल्लाह के दिन 14 बाब उसकी 27 में आया। मैं तुम्हें इत्मीनान दी जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उसी तरह देता हूँ, नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ये पांचवा इनाम है यीशु मसीह का। तुम क्यों घबराते हैं कश्ती डूब जाएगी?
क्या कोई है दुनिया में ऐसा समंदर जो खुदा के बेटे यीशु मसीह की कश्ती को डुबा दे? है कोई? कोई है ऐसा तूफान? कोई है ऐसी हवा? कोई है ऐसी आंधी? तो फिर हम लोग क्यों परेशान? यही तो कह रहा है। मुझे भी शायद की बहुत देर तक समझ नहीं आई कि पिछले साल मुझे इसके बारे में पता चला कि इत्मीनान होता क्या है। 10 साल के बाद मुझे इसकी समझ आई। ये इत्मीनान जिसके पास है वो कभी फिक्रमंद नहीं हो। बीमार हो जाए, पिछले साल मुझे खारिज हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया था कोई इलाज नहीं सकता, इलाज होगा भी तो शायद 50% चांस है कि आप चल सकते, ऑपरेशन करना पड़ेगा, रीड करनी। बड़ा जोर लगा दिया उसने, लेकिन ये सुबह इत्मीनान मेरे पास। उसकी हालत में लोग मुझे पकड़ कर लेके जाया करते थे बीमारों के लिए दुआ कराने, बदरुए निकल जाती थी, बीमार शिफा पा जाते। ये सुबह ये इतना, और जो इत्मीनान को बरकरार रखते हैं वो इसी तरह दोबारा फारिग से जिंदा हो सकता है। अगर इत्मीनान नहीं है तो बीमारी आपको मार देगी। कभी कभी ऐसा होता है पैसे मेरे पास नहीं होते, लेकिन इत्मीनान होता है। थोड़ी देर के बाद कोई आता है, एक लिफाफा देके चला जाता है। अभी यहाँ के लिए हमारे पास, हम बॉस यहाँ पे बातें करवा रहे हैं, कन्वेंशन करवा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास पैसा नहीं था क्योंकि मैं किसी तंत्री को, मुझे कोई तंत्री पैसा नहीं था। बेशक मैं पीटर इंग्लैंड की टीम के साथ मुख्य जगह पर सफर करता हूँ, मैं सारे अपने खर्चों पर सफर अपने पैसे देता हूँ। जब हम यहाँ आगे तो हमारा ईमान था, इत्मीनान था कि प्रोग्राम तो होंगे। एक भाई ने वहां से लिफाफा भेजा, उसकी जिंदगी में खुदा ने अजीब काम किया। खुदा ने उसको भेज बोला कि ये पैसा तू वहां पर भेज दे पाकिस्तान। इत्मीनान। हमारी तो ये फिक्र है कल शादी है, कैसे खर्चा पूरा होगा, कहां से आएगा, कहां से पूरा करेंगे, खाना कम हो गया तो क्या होगा। इसके बाद इत्मीनान है, उसको पता है कि अगर मैं खत्म हो गई है तो मैं का बढ़ाने वाला यीशु गरीब की शादी की तरह हमारी शादी में शरीक है, वो मैं को बढ़ा देगा। छठा इनाम यहां के दीन 17 बार उसकी 8 आए क्योंकि बात हूं और शौद में आए इसी बात की। हाँ जी, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया की नहीं। छठा इनाम है खुदा का जिंदगी वर्ष कलाम इसके लिए मारे। किसकी तरफ से आया? बाप की तरफ से। ये इनाम है कि नहीं? इस दुनिया में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। खुदा का कलाम यीशु मसीह ने इनाम पे दिया। वो कहते हैं कि आसमान और जमीन जल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हर भी इस तरह नहीं। जो कुछ खुदा के मुंह से निकलता है वो क्या होता है? खुदा का कलाम। इंसान के मुंह से तो इंसान की बातें निकलती है, लेकिन खुदा के मुंह से खुदा की बातें निकलती है, जैसे खुदा का कलाम। यीशु मसीह को कहते हैं हम कलाम मुझे सुन हुआ। वो कहां से आया? कहते मैं बाप में से निकला आया हूं, मैं और मेरा बाप दोनों एक। छठी बात जो छठा इनाम से हमें दिया है
वो है खुदा का कलाम, क्योंकि लिखा है ज़बूर में कि तूने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा आज़मत बख्शी है। आज़मत किसकी है? यीशु मसीह को आज़मत बख्शी है। वो काशी में लिखा है कि ज़बह किया हुआ बर्रा ही हमद तमजीद और इज्जत आज़मत और हशमत और कुदरत और जलाल के लायक। ये छठा इनाम, सातवां इनाम और भी बहुत से इनाम है, लेकिन सातवां इनाम जहां पर आज हम खत्म कर रहे हैं उनके दिल उसका 17वां बाप और उसकी 22वीं आयत। ये बहुत बड़ा इनाम और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। छठा इनाम है खुदा का बाप, खुदा बाप का जलाल जो यीशु मसीह के वसीले से हम तक पहुंचे, उसके जलाल के लिए उसके लिए तालियां। कोई आदमी आपको जलाल नहीं दे सकता। सब लोग अपनी तारीफ चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जलाल आपको दे दिया, खुदा बाप का जलाल, बाप के इकलौते बेटे का जलाल आपके ऊपर। दुनिया का कोई मजहब खुदा का जलाल इंसान को नहीं देता। कहां पर ने ये जलाल देखा? जब जैतून के पहाड़ पर, जब पहाड़ पर चले गए बैतफगे के उस पहाड़ के ऊपर, तो लिखा है कि उसकी सूरत क्या हो गई, उसकी सूरत बदल गई। और कौन नजर आया वहां? मूसा और एलिया नजर आए, और लिखा है कि उसकी पोशाक ऐसी सफेद होगी कि दुनिया का कोई धोबी इस तरह का साफ लिबास नहीं धो सकता। ये है खुदा का जलाल। आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। और वो जलाल, वो पोशाक जिसके हम लायक नहीं, हम गुनाहगार लोग जो कि मिट्टी से बने हैं, यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप के जलाल में दाखिल होते हैं। कोई है दुनिया में ऐसा मजहब? कोई है दुनिया की ऐसी किताब जो आपको ये जलाल दे? यीशु मसीह ने अपना जलाल आपको दे दिया। वो कहते हैं कि जिस तरह मैं और बाप एक है, आप भी मेरे साथ एक। उस वक्त जब कलमा बरकत हो जाए उसके बाद
अगर कोई यहाँ पर ठहरना चाहता जो बीमार है दुआ करना चाहता तो मैं उसके लिए दुआ करूँगा। जब इबादत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जब पाद साहब कलमा से बरकात से आपको रुख्सत करेंगे, उस वक्त हो सकता है कुछ लोगों को लेकर और जगह जाना हो। आज आपके पाद साहब का आखिरी इस्तेमाल से जनाजा है, शायद कुछ लोगों को उसका इंतजाम करना हो, आप लोग जा सकते हैं कलमा से बरकात के बाद। अगर कोई बीमार है वो बीमारी के लिए दुआ कराना चाहता है वो यहाँ पर होता है। अगर आपके पास तेल है, आप तेल के ऊपर जो कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्ग तेल लगाकर सुबह सब करें, हम तेल के लिए दुआ करेंगे, आपको तेल दुआ करके देंगे, आपके लिए बीमार हो तो दुआ की जाएगी। आइए चंद लम्हा के लिए भी आपको आसमान जमीन की मामूली के खुदा ठीक हुए देख रहा हूँ खुदा, इसके लिए तेरा शुक्र हो। तू मेरे खुदा
हड्डियों को मामूल पर लाना तुमने शुरू कर दिया। जरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। मैं इस भाई की जिंदगी में इस दवाई के लिए जो किए देगा, मेरे सर मेरे काम को बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैं पूरा अपने मान रखता हूँ कि ये भाई बिल्कुल नीचे बैठेगा जिस तरह एक दिन मैं इसकी तरह था। तूने मुझे बिल्कुल शिफा बख्श दिया खुदा, बहुत जल्द आज या कल में मेरे खुदा उसकी काम को बिल्कुल अपनी जगह पर वापस ले आएगा। इसके लिए मेरा शुक्र अपने पाँव की उंगली पर यीशु को कबूल करना है, एक बहुत बड़ा मौजजा होने वाला है। इनके नाम आसमान की किताबें हयात में लिखे जाने वाले हैं। फरिश्तों ने किताबें खोली हैं।
पर हाथ रखोगे तो शिफा पाओगे, तो अपने कलाम को पूरा करते तेरे नाम से मेरे सलाम। इन सारे दर्दों को लाने वाली बदरों को मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में बांध देता हूँ, यीशु के खून को मैं तेरे इन लोगों के ऊपर लगाता हूँ और हुक्म करता हूँ कि सारी बीमारी सारा दर्द खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए इन दर्दों से। आए शैतान बुलाओ चला जा, निकल जा धरती यीशु के नाम में। सारा दर्द खुदा के बेटे यीशु के नाम में चला जा, जिस्म को छोड़ दे, चला जा धरती जिस्म से निकल जा यीशु के नाम में। सारा दर्द अपना हाथ उठाओ, लीला पाठ करती हर एक गंदी तासीर खुदा के बेटे यीशु के नाम से चली जाए जिसम को इस वक्त छोड़ो यीशु के नाम में। सारा जिसम का दर्द खुदा के बेटे यीशु के नाम से इस माँ को पूरा मजबूत कर। कमर खुदा के बेटे यीशु के नाम में इसी वक्त मजबूत हो, सारे कमर के आज़ाद को मजबूत करते हैं। दर्दों को लाने वाली सारी बीमारी